इंडिया वेयर कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों ने आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि जबलपुर जिले में करीब 18 करोड़ का निवेश निवेशकों ने किया। कंपनी ने प्रमुख प्रलोभन देकर निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया तथा फरार हो गया। इसका संचालक उत्तर प्रदेश में भी फर्जीवाड़ा करने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। निवेशकों ने पुलिस कप्तान से निवेदन करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्य आरोपी जब पकड़ा जा चुका है तो निर्देशकों को उनकी निवेश की हुई राशि वापस की जाए, अन्यथा वो आगे और भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इंडस वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में था, जो 2010 में चालू हुई थी। जबलपुर में ये ऑफिस लेके आए, ऐसे तो सभी शहरों में इसकी ब्रांचेस थी। जबलपुर में 2012 में ये कंपनी चालू हुई। कहाँ पे इसकी वो सबसे पहले इसका ऑफिस था मदन महल महिला थाने के ठीक सामने। इसके बाद 2 साल के बाद इसका ऑफिस चला गया था चेरीताल माँ शारदा टावर के ठीक सामने। तो यहाँ ये कंपनी अगस्त 2016 तक चली है। इसमें यही होता था कि जैसे सहारा में होता है कि नॉन बैंकिंग टाइप का काम, कि FD कराते हैं, रिकरिंग कराते हैं, और MIS थी। तो इस टाइप की स्कीम में हम सभी लोगों ने अपना पैसा जमा किया। तो जबलपुर का लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए होगा, और यदि पूरे भारत की बात करें तो लगभग 5000 करोड़ से भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इसका जो मेन आरोपी है अरुणेश सीता, पटना बिहार का रहने वाला है, और ये 2016 हमारी जो FIR हुई थी कोतवाली थाने में, वो 21 फरवरी 2017 में हमने FIR की थी उसकी, लेकिन उस समय से ही लगभग फरार चल रहा था। तो आज 6 वर्ष हो गए फरार था। अभी हम लोगों को ज्ञात हुआ कुछ दिन पहले ही कि 28 अगस्त 2022 को लखनऊ उत्तर प्रदेश वाराणसी पुलिस ने एक विशेष SP महोदय ने एक विशेष कुछ टीम बना के इसको गिरफ्तार किया है, और इसके ऊपर इनाम भी है, 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका था। तो ये गिरफ्तार है। अब हम लोगों की SP महोदय से यही मांग है कि हम सब गरीब जनता का पैसा, जो बहुत बहुत ही गाढ़ी मेहनती कमाई है, वो पैसा हम लोग उसके लिए भी दर दर भटक रहे हैं पिछले 6-7 साल से, तो वो पैसा हम लोगों को दिलाया जाए। और यहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था पंचम लाल पटेल, और एक यहाँ कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे जो एडवोकेट हैं SS ठाकुर, साहेब सिंह ठाकुर जिनका पूरा नाम है, जो सेल टैक्स इनकम टैक्स के एडवोकेट भी हैं, उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था पंचम लाल पटेल ने, SS ठाकुर साहब ने, कि आप लोगों का जबलपुर का 1 रुपये भी कहीं नहीं जाने देंगे। मैं SS ठाकुर का तो कहना था कि मैं अरुणेश सीता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी बहुत अच्छे से बात भी होती थी। उन्होंने बोला था कप्तान को इन सब विषयों के बारे में आपने बताया किस SP साहब? हाँ, इन सारी बातों को हम लोगों ने क्या आश्वासन दिया कलेक्टर महोदय को भी, कई बार पिछले भी कई सालों से हम लोग ये आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं उनको, DSP महोदय को, SP महोदय को, थाने में, सभी क्राइम ब्रांच में कई बार हमारे बयान भी हुए। हम सभी लोग गए हैं, हम लोग तो पिछले 6-8 साल से दर दर भटक ही रहे हैं, और बहुत गरीब लोगों का भी पैसा लगा है। बेचारों लोगों ने अपनी बड़ी मेहनत की कमाई लगाई हुई थी, जो आज ये इस आशा से आए हुए कि अब चूंकि आरोपी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो हम सभी लोगों का शायद SP साहब की करुणा कृपा से हम लोगों को पैसा मिलना संभव। मेरा नाम रविंद्र नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी। बताएं, मैं रोहित यादव। इंडस बियर इंडस्ट्रीज एक कंपनी थी जो 2010 में जबलपुर आई थी, और उसमें हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे सहारा का होता है, जैसे सहारा और कंपनियों का रहता है, उसी टाइप से एक इंडस बियर कंपनी थी। हमने उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। जबलपुर की ब्रांच पंचम लाल पटेल, SS ठाकुर, विजय बघेल, ये सब देखते थे, जिसमें कि पंचम लाल पटेल कंपनी के ब्रांच मैनेजर हुआ करते, और आज वो हम लोग दर दर भटक रहे हैं, और पंचम लाल कंपनी नई कंपनी ज्वाइन करके और दूसरी कंपनियों से पैसा इन्वेस्ट करके लूटा जा रहा था। फिर से हम लोग यहाँ आए हैं कि कंपनी का मालिक जो अभी तक फरार था वो गिरफ्तार हो गया उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं कि वो जबलपुर में आए, अरुणेश सीता है, जबलपुर में उसको लाया जाए और हम लोग गरीबों का पैसा दिलाया जाए। लगभग कितना पैसा होगा जी उनके द्वारा? जबलपुर का समथिंग 17 से 18 करोड़ है, और पूरे ऑल इंडिया का कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ है। आज आप यहाँ पे कहाँ पे आए और आपकी क्या मांग रही है? हमारी मांग सिर्फ SP ऑफिस आए हुए हैं हम। SP साहब से यही मांग है कि हमारे गरीबों का पैसा मिले, और हम लोग बहुत लुटे हुए हैं। नाम बताइए। रोहित है।